हुए कलाकारों को उनके योगदान और उनकी सीधे साधना को सम्मानित करने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसकी शुरुआत दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुई। भारतीय सरकार की ओर से यह सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। देविका रानी से लेकर अमिताभ बच्चन जी तक अनगिनत बार हमने गौरव गाथा का ये झिलमिला का अवसर देखा है, जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सितारों और कला साधकों का सम्मान हुआ। और इस साल ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा के महानायक अभिनेत्री प्रखर सूर्य अपनी प्रतिभा के जरिए एक आम आदमी की व्यथा, वेदना, उसके हर्ष, उसके संघर्ष को अनेक अनेक बार अपने बेजोड़ अभिनय से उकेरने वाले, दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का चेहरा बनकर छा जाने वाले सिनेमा के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को दिया जा रहा है। स्क्रीन आइकन अमिताभ बच्चन जी ने 1969 में फिल्म साफ हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की और फिर 1970 के दशक में संजीव, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के माध्यम से युवा पीढ़ी के गुस्से को अभिव्यक्ति की और उन्हें एंग्री यंग मैन कहा गया, जो आज भी भारतीय सिनेमा में एक ताकत बने हुए हैं। अभिनय के दूसरे दौर में अपने नए निर्देशकों के साथ ब्लैक और पा जैसे प्रयोग धर्मी फिल्में की, आपने टीवी पर भी कामयाबी का नया इतिहास रचा। साल 2000 से आप गेम शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं। अभिनय के साथ साथ पोलियो उन्मूलन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने में आपका बड़ा योगदान रहा। कला और सिनेमा के लिए आपका अतुलनीय योगदान विश्व सिनेमा की अनमोल धरोहर है। श्री अमिताभ बच्चन जी ने पूरी दुनिया में न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति के दूत बनकर सारी दुनिया में भारत का परचम लहराने में कामयाब रहे हैं। भारतीय सिनेमा को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने में भी आपकी अहम भूमिका रही है। आपने सिनेमा के सफर में आप पद्म सम्मान के साथ ही 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 15 फिल्मफेयर पुरस्कार समेत फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए और करीब 200 से भी ज्यादा हिंदी और क्षेत्रीय फिल्मों में न सिर्फ अभिनय किया बल्कि अन्य क्षमताओं में भी योगदान किया है। हमें इस बात की खुशी है कि हम सभी को इस गौरवमय पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। अपार हर्ष और करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अमिताभ बच्चन जी का। अविस्मरणीय पात्रों के जरिए सदैव अमर के लिए